विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं। बाबा महाकाल के दर्शन के पश्चात भोजन के लिए महाकाल मंदिर द्वारा संचालित अन्न क्षेत्र में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भोजन प्रसादी को सर्वप्रथम बाबा महाकाल को भोग लगाया जाता है, तत्पश्चात ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण के बाद भक्तों को भोजन कराया जाता है। उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक बनने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आ रहे हैं। ऐसे में लोग महाकाल लोक घूमने के बाद अन्न क्षेत्र में भोजन के लिए प्रवेश करते हैं, जहां अन्न क्षेत्र में निर्मित भोजन प्रसादी को सर्वप्रथम बाबा महाकाल को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद भोग की थाली को अन्न क्षेत्र में पहुंचाया जाता है, जिसे भोजनशाला में अन्न में मिला दिया जाता है। इसके बाद भोजन प्रसादी का मिला हुआ अन्न ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी के रूप में दिया जाता है। आपको बता दें कि महाकाल लोक स्थित अन्न क्षेत्र का कुछ समय पहले ही निर्माण हुआ है। पहले तो यहाँ पे भोग जैसे तैयार होता है, इकाट द्वारा बाबा महाकाल की थाली भोग के लिए जाती है और मंदिहाल के वहाँ पहुँचा के वहाँ से अंदर भोग प्रसादी लगने के बाद वो वापस आता है प्रसादी। तब यहाँ पे डलने के बाद यहाँ पे आते हैं ब्राह्मणों द्वारा मंत्रोच्चार का प्रार्थना करके फिर यहाँ पे शुरुआत की जाती है।